ओ शक्ल कबीबी शक्ल कबीबी शक्ल कबीबी कितना लकी माया का देखो कहाँ जाके बैठ गया टच वुड। अब आप कुछ बोलिए। क्या बोलूं? यही कि आई लव यू टोपी डॉल। टोपी बाप रे क्या सुर है। सुर नहीं ससुर है इधर देख। अबे तू हाँ ये माइक मैन नहीं लाइट मैन है वो भी एकदम ऑर्डिनरी। यू स्काउंडरल। अबे चुप उजड़े चमन गधे बुढ़ो तेरी तो तेरे को उठा कर ले जाए कचरे के डिब्बे में डालता हूँ। अबे वो लड़की आई लव यू तक बोल चुकी थी और तू तेरा कलेजा जलने लगा जो अंगार फूंक रहा है। अबे बगर पानी के मगरमच्छ टू मच। बोल मत। तू पहले मेरे को ये बता तू मेरी बेटी मैगी से शादी करेगा या नहीं। मेरे को शादी की तारीख पक्की करनी है। चुप कर फटी बांसुरी जरा फूंक न मारा और बजने लगता है। मैं तेरी बेटी से शादी करूंगा। तू मैगी से शादी नहीं करेगा। अबे तू चाउमीन तेरी बेटी दो मिनट के नूडल हटेले मैं शादी करूंगा। तू मैगी से शादी नहीं करेगा। नहीं फिर मैं तेरे वीक स्पॉट पे टच करूंगा। तू टच करके बता। टच करूंगा। तू टच के बता भाईजान। हां यस जरा इनसे पूछिए बात क्या है। क्या बात है? आप बीच में मत पड़िए सर। क्या बे छक्के? क्या बोला? क्या बे छक्के? इडियट कहीं का। क्यों अब मैगी से शादी करेगा या नहीं? जब बे सर पे घास नहीं बदन में सांस नहीं टोपी की वीकनेस को टच करता है। क्या तेरी बेटी से मैं शादी नहीं करूंगा। टोपी तुम्हारे लिए फोन। एमडी ऑन द लाइन। हेलो टोपी। सर तुमने हमारे क्लाइंट को छक्का बोला। सर आई हैव वन वीकनेस इन माय व्हाट डू यू कॉल कवर इन इंग्लिश हिप। हिप समबडी गुदगुदी इन माय हिप बॉलिंग जाबे छक्के। डोंट जोक विद मी टोपी आई वांट एन एक्सप्लेनेशन नाउ। जाबे छक्के। व्हाट यू आर टेलिंग मी? चुप रहना कुत्ते। कुत्ते? कुत्ते नहीं सर जाबे छक्के। यू इडियट यू आर इमीडिएटली फायर्ड आउट। टोपी अब मेरी बेटी मैगी से शादी करेगा ना। चल अरे भाई मेरी तो नौकरी गई यार। एमडी को समझाना मेरी कमजोरी के बारे में। चल तू बैठ पहले। हाँ बता क्या है तेरी कमजोरी। अरे वही यार जब भी कोई मेरी कमर कट करता है ना तो मेरी जावे छक्के। क्या बोला? यार अभी तो कॉलेज का वक्त नहीं हुआ। अभी तो बहुत टाइम है यार। अरे यार चाय भी पिला। अरे जरूर क्या हुआ? अरे मेरी किसी ने पॉकेट मार दी भाई। तेरे पास किधर से पॉकेट आएगी? अरे सुबह एक ही मारी थी यार नहीं मिला। गुलदस्ता है हैं? उसको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं चाय के साथ नाश्ते का बंदोबस्त हो जाएगा। झूमती चली हवा याद आ गया कोई। झूमती चली हवा क्या बात और क्या नहीं। मन भर गया रे कुछ भर गया थी। नहीं कुछ तो लोगे नहीं थोड़ा कुछ छोटी मोटी चाय 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 और खाने को खाने को खाने। अरे नहीं भैया ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा गुलदस्ता जी बाबू जी कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि तेरी चाय ज्यादा मीठी है या तेरी आवाज कहीं तो चाय में कुल्ला तो नहीं करता। अरे तुमने पुकारा और हम चले आए। अरे मुझे तो लगता जान हथेली पर ले आए। जी जी लक्ष्मण जी की नजर नहीं कान रे वही काम तेरे पर पड़े। तू तो चला सीधा HMV स्टूडियो। देखना किसी दिन इसी चाय की दुकान में बैठकर रेडियो पर गुलदस्ते का गाना सुनेंगे। यार तेरा दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर है ना? कौन? अच्छा अच्छा वो जो टीवी प्रोग्राम वगैरह अरेंज करता है। वही जो नए नए लोगों को चांस देता है। यार उसको मिलवा दे इससे। अच्छा मिलवा दे। अरे यार तुम्हारा पैसे कितने? अब आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब आपसे क्या पैसे लेना? तो फिर क्या लोगे? नहीं नहीं आप तो मुझे एक बार उस म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवा दीजिए प्लीज। अबे ओ गुलदस्ते हो गया आया से चाय की पत्ती और शक्कर रख और सुन
इन लोगों के पैसे अच्छी तरह ध्यान में रखना, तू हमेशा भूल कर जाता है। क्या है सेठ जी, के सरदान लोग हैं और सच्ची कला की सच्ची कदर करने वाले तो इस दुनिया में बहुत कम होते। अबे चुप, जा उनसे पैसे ले। क्या है सेठ जी, के आप तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काटते। क्या बोला? ये देख पीली वाली मेरी है, ये देख अपन की लाल वाली जा रही है। बाप माफ करना हुजूर, लाल वाली पिछले साल तेरी थी, इस बार मेरी है। नीला दुपट्टा मेरा। वो नीली दुपट्टा नहीं, तुम सबकी भाभी है। अच्छा? और तुम लोगों को उसके चप्पल के सिवा और कुछ देखने का हक नहीं है। हमको सिर्फ चप्पल देखने का हक है, खाने का हक किसको है? गरम गरम मेरे घर में पतीली आई है, के जैसे तुझको पकाया गया है मेरे लिए। लगी है भूख मुझे, ढक्कन उठा रहा हूँ मैं। लगी है भूख मुझे, ढक्कन उठा रहा। हाय हाय, आप तो खाते भी बहुत अच्छा है जी। आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं? क्या हो गया आपको? आपके होंठ क्यों कांप रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? डरे होंठ मेरे, फटे दिल मेरा, लगे कब्र सा ये तन तेरा। कभी मेरी साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार। पुतले क्या होगा मेरा हाल, पुतले पल भर में काम तमाम सोच ले, मर जाऊंगा मैं यार निकल ले, मरने से पहले जीना। अरे रुको 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 रुको, ए भाई मेरी मदद करो, एक गुंडा नंगी तलवार लेके मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी से किसी पुलिस स्टेशन ले चलो। हाँ बैठो बैठो बैठो। कहाँ बैठा? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ बैठो। अरे चलो 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 चलो। क्यों मियाँ, कोई छोकरी ओकरी का चक्कर तो नहीं? आपको किसे पता चला? अरे तेरे जैसे हैंडसम आदमी के तो चक्कर चलते रहते होंगे। नहीं अब आपसे क्या छुपा रहा बड़े भाई, मैं जवान हूँ, वो जवान थी, जवानी दीवानी हो गई, अब साली गले पड़ रही है। हाँ तो शादी कर लेना यार। किस किस से शादी करूंगा मेरे भाई? अरे पुलिस, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप लोग हो कौन भाई? आप इन्हें नहीं जानते? नहीं। यह है डॉक्टर नारायण सिन्हा, जो 16 साल से परिवार नियोजन कार्यक्रम की महान सेवा कर रहे, इसी वजह से दुनिया इन्हें डॉक्टर नसबंदी नारायण सिन्हा के नाम से जानती है। और अब ये नसबंदी के जागतिक उच्चांक से सिर्फ 4 नंबर पीछे, उसके लिए इन्होंने अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ड्यूटी ड्यूटी है। और तुम मेरे 99,996 पेशेंट हो। मुबारक हो। मुबारक। मेरी नसबंदी कर दी आप लोगों ने, क्यों, किसने कहा था? अरे मैंने कहा था यार, मैंने सोचा तेरा हमेशा का झंझट टीच खत्म कर दूं। अब जा, जितना चाहे ऐश कर, अब तेरे को किसी लड़की से कोई खतरा नहीं,
और कोई लड़की तेरे पे इल्जाम भी नहीं लगा सकती। क्यों मानता है ना गुरु? क्या मैं कभी पाप नहीं बन सकता? मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। बोल भाई। आया सर। ये देख, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर ये बांसुरी नहीं बजेगी तो मेरा तो बाजा बज जाएगा। बैंड बाजे का इंतजाम भी सरकार ने किया है। मार भाई। लाया सर। ये क्या है? ये सरकार की तरफ से इनाम है, 220 रुपए आठ आने रोकड़ा और ये मर्फी का टुकड़ा। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया।